तो अभी आ गए हैं चीचम ब्रिज। यहाँ का कुछ हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे टू और कल बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और कल 195 किलोमीटर कवर करा मनाली से यहाँ पे आने में। ऑलमोस्ट बैंड बज गई थी मेरी, नियरली 3:30 के आसपास आ गया था। होटल ले लिया था मैंने ये वाला, तो हालत इसलिए ख़राब हुई क्योंकि माउंटेन देखने से चालू हो गया था मुझे, थोड़ा ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा था और फिर सर बहुत ज़्यादा फटक रहा था। तो मैं नियरली 5 बजे सोया था और 5 बजे सोया और सुबह 8 बजे उठा हूँ मैं। सिर्फ बीच में सिर्फ नॉक करा था डोर, तो मैं सिर्फ खाने के लिए उठा था, तो खाना खा के फिर सो गया था 5-10 मिनट में। तो लगभग मतलब 5 बजे से सो रहा हूँ मैं, 5 बजे से अभी सुबह 8 बजे तक। मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। अभी पानी वानी पिया है मैंने काफ़ी, और फिर क्या बोलते हैं, पानी में एक लहसुन भी मिलाया है यहाँ पे लोगों ने बोला, लहसुन मिला मतलब थोड़ा क्रश करके डाल दो उसमें, तो वो भी सही रहेगा। चलो फिर अभी फ़िलहाल पेट्रोल भराते पहले, उसके बाद फिर बाइक पे बताता हूँ कहाँ निकल रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा देखो, ये अपनी बाइक रेडी है, बाइक वैक लगा लिया है, बस अभी हेलमेट पहना हूँ, जैकेट का जिप लगाया हूँ और ग्लव्स पहना हूँ, बस उतने में मेरी सांस फूल गई। ये जो आई लव स्पीति लिखा है इसी के पास बोला है कहीं, भैया जी पेट्रोल ठीक है थैंक यू। ये अब आई लव स्पीति लिखा है उसके पहले ही मतलब पेट्रोल पंप है। अरे इतना बगल में देखा भी नहीं, वर्ल्ड हाईएस्ट रिटेल आउटलेट काजा। कितना है यहाँ पे पेट्रोल, 102 रुपये। 197 किलोमीटर हो गए हैं, तो अभी टाइम हो रहा है 9:51। मैं निकल रहा हूँ चीचम ब्रिज की तरफ, तो जाते समय पहले आता है की किब्बर और फिर चीचम, तो पहले मैं जाऊँगा चीचम, उसके बाद फिर किब्बर, फिर की मॉनेस्ट्री। चलो भाई, नज़ारे एक नंबर के हैं यहाँ पे सुबह सुबह के, एक ओहो अलग ही रहते हैं। देख रहे हो, अरे 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 अपन यहाँ से आए थे, ये मनाली साइड के लिए निकलता है सीधे किब्बर के लिए, पीछे से हम काजा साइड से आ ही रहे हैं। यहाँ से सीधे जाएंगे सीधे। प्रॉब्लम कभी कभी यहाँ पे यही होती है कि बोर्ड नहीं होते हैं या फिर मिस कर देते हैं, तो छोटा सा होता है। तो स्नो लेपर्ड फिलहाल तो नहीं चाहूँगा कि मेरे सामने आ जाए, सच में यार ये रेगिस्तान लग रहा है मुझे। और कल हुआ ये था कि भयंकर सर दर्द हो रहा था और फिर बॉडी पेन था, क्योंकि जैसी रोड थी उस हिसाब से आए थे, तो हालत ख़राब हो गया था यार। कोई तो विलेज आ गई एक, की मॉनेस्ट्री। अरे चलो, कैसे भी हमें अभी की में नहीं, आधे समय की में रुकेंगे। पहले ये की है मेरे ख्याल से, उसके बाद आएगा किब्बर। फिर आएगा अपना चीचम जो कि हम जा रहे हैं अभी। पहले कितनी सुंदर लग रही है, देख रहे एकदम पहाड़ों के बीचों बीच। यहाँ पूरा सेम ऐसे दिख रहा है इधर साइड,
वो उधर बर्फ वाले दिख रहे हैं और ये एकदम बंजर, उसके बीच में वो मोनेस्ट्री। सही, चलो चलो निकलते हैं पहले यहाँ से। किब्बर विलेज है यहाँ से 6 किलोमीटर। रोड ठीक ठाक है, मतलब खराब भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है, सही है। ऐसा कुछ रोड है यहाँ, थोड़ा खराब ही होते जा रहा है। और ऐसा कुछ व्यू है, ऐसे पहाड़ है और यहाँ कोई नहीं है। कोई तो आया करो यार, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, जहाँ तक रोड दिख रही है। वैसे तो रोड तो बहुत ही पास दिख रही है, 1 किलोमीटर ही दिख रही होगी बस। 1 किलोमीटर तो ज़्यादा बोल दिया मैं, 100-200 मीटर। स्टार्टिंग में रोड अच्छा था लेकिन फिर थोड़ा ख़राब होता जा रहा है और बहुत छोटा होता जा रहा है। अच्छा हुआ मैं कल शाम को नहीं गया, नहीं तो अंधेरा हो जाता आने में। वो है किब्बर विलेज। अरे 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 अरे, आ गया चिचम्ब्रेज। कितना बैटरी बचा है? बैटरी तो बहुत है। चिचम्ब्रेज रखते हैं गाड़ी। तो अभी आ गए हैं चिचम्ब्रिज। यहाँ का कुछ ऐसा है, अच्छा लग रहा है, काफी शांति है, वो एक डर लग रहा है। अरे अरे अरे, यहाँ पे भी लोग कुछ ना कुछ लिख के जाते हैं। ये देखो क्या है, कुछ ना कुछ बना के जाते हैं, लिख के जाते हैं। अरे 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 अरे, काफी नीचे है ये। तो कोई दिख नहीं रहा है, अकेला हूँ तो थोड़ा डर लगता है, और कुछ नहीं है। बाकी यहाँ का व्यू बहुत ही बढ़िया है, मज़ेदार है। ये यहाँ का पूरा ब्रिज, और वहाँ अपनी बाइक। यहाँ इसके बारे में कुछ दिया है, थोड़ा पढ़ सकते हैं, इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। 13,596 फीट पर, बोलते हैं एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। अच्छी बात है, थोड़ा फोटो वोटो लिया जाए, उसके बाद फिर निकला जाते हैं। देखते हैं ऊपर निकल के, किब्बर शायद लेज ऊपर ही है। चलो फिर मिलते हैं फोटो सेशन के बाद बाइक पे।